हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग झील एवं जलप्रपातों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। विश्व की दूसरे सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील जो है टांगानिका झील है। बियर, सुपीरियर, रुरोन, मिशिगन झीलों में से एक ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। कौन नहीं है? बियर झील। संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहत झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है ओरेंटिया, इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर। वह झील जो पूर्णतः यूएसए में स्थित है वह मिशिगन झील। यूएसए में मिशिगन झील है। झीलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? तो पहले है सुपीरियर, फिर विक्टोरिया, फिर बैकाल, फिर ग्रेट बियर। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सा है? लेक सुपीरियर। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है लेक सुपीरियर। वह जल संयोजी जो यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है वह है जिब्राल्टर। हार्मुज़ संधि पाई जाती है फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू अलग करता है वह है बोरिंग जल डमरू मध्य। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू बोरिंग है। अब हम लोग सुमेलन करेंगे। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका एवं यूरोप के मध्य है। मलका जल संधि जो है इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य है। बोरिंग जल संधि जो है एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य है। हॉर्मुज़ जल संधि फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से। जल डमरू मध्य जिसमें से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है वो है डोवर जल डमरू मध्य। डोवर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। पाक खाड़ी है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच। फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है ओमान से। अब हम लोग खाड़ियों और स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। बोथनिया की खाड़ी कहाँ है? स्वीडन और फिनलैंड में। बैफिन की खाड़ी कनाडा और ग्रीनलैंड में। कारपेंटरिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में। टोनकिन की खाड़ी वियतनाम और चाइना में। हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि है बाब अल मानदेब। अब हम लोग नहरों के बारे में पढ़ेंगे। नहरें स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युगम है पोर्ट सईद और स्वेज। स्वेज नहर बनाने से भारत की पश्चिम देशों से दूरी कम हो गई है तो यह सही है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है तो यह भी सही है। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है स्वेज नहर। मुंबई से स्वेज बंदरगाह जाने के लिए नहीं गुजरना होगा स्वेज नहर से होकर। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को। सू नहर जोड़ती है सुपीरियर और हुरुरोन को। वह देश प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नगर नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है वह है नियारा गुआ। कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। अब हम लोग विश्व के प्रमुख बांधों के बारे में पढ़ेंगे। पराना नदी पर निर्मित है इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। इतेपू बांध यह संयुक्त परियोजना है ब्राजील और पराग्वे की। विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है गुआंगडोंग प्रांत के जुहाई में।
और अब हम सुमेलन करेंगे, एक तरफ नदियाँ हैं दूसरी तरफ बांध है। कोलोरेडो पर बनाया गया है हूवर, दामोदर पर पंचेत हिल, नील पर असवान, जम्बेजी पर करीबा। असवान उच्च बांध स्थित है मिस्र में। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध निर्माण करना प्रारंभ किया है, वह स्थान है जंगमऊ। और हम लोग सुमेलन करेंगे बांध और नदियों पर। ग्रैंड कुली जो है कोलंबिया में है, कोलंबिया नदी पर बनाया गया है। नुरेक जो है बक्श पर, और कहोरा जो है जम्बेजी पर है। थैंक यू।